फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हिट्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद, 81428-77400। तेलंगाना हुकूमत जो सरकारी अराजी की फरोख्त के जरिए आमदनी हासिल करने की उम्मीद रखती है, एक मरतबा फिर हैदराबाद के मजाफाती इलाकों में मुख्तलिफ मुकामात पर अराजियत का हराज करेगी। हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी HMDA मुख्तलिफ इलाकों में प्लॉट्स का हराज करेगी। अथॉरिटी की 39 अराजियत फरोख्त के लिए दस्तियाब करवाई गयी है। रंगारेड्डी जिले में 10, मिर्चल मलकाजगिरी जिले में 6, संगारेड्डी जिले में 23 मुकामात पर इन अराजियत का 1 मार्च को ऑनलाइन हराज किया जाएगा। अथॉरिटी को इस ई हराज से बेहतर आमदनी की उम्मीद है क्योंकि ये अराजियत आउटर रिंग रोड के करीब है। हर प्लॉट 121 गज का है। तमाम अफराद इस हराज में हिस्सा ले सकते हैं। ऑनलाइन हराज में हिस्सा लेने के लिए इस महीने की 27 तारीख को शाम 5 बजे तक रजिस्ट्रेशन जरूरी है। अहदेदारान ने कहा है कि मुकर्रा कीमत अगले दिन अदा की जाएगी। मंगल से खरीदारों को हराज की तफसीलात के बारे में वाकिफ कराना शुरू कर दिया गया। YS शर्मिला YSR तेलंगाना पार्टी के सदर, तेलंगाना में ख्वातीन को कोई तहफ्फुज नहीं है कहा। उन्होंने कहा है कि मुल्क में ख्वातीन की इस्मतदरी में तेलंगाना सर फहरिस्त है। ख्वातीन को कभी तहफ्फुज नहीं दिया जाता। शराब की फरोख्त और मंशियात अलग अलग फरोख्त की जाती हैं। शहर में भी सड़कों पर इस्मतदरी हो रही है। KCR ख्वातीन को ज्यादा नजरअंदाज करते हैं। इस हुकूमत को ख्वातीन से भी हमदर्दी नहीं। ख्वातीन एहतजाज करें तो बाल पकड़ कर गिरफ्तार कर लिया जाता है। आज बोधन में कांग्रेस पार्टी की जानिब से BRS पार्टी के खिलाफ एहतजाज किया गया और इस दौरान तेलंगाना के वज़ीर-ए-आला के चंद्रशेखर राव के पुतले को जलाकर नाराजगी जताई। वाज़ह है कि यूथ कांग्रेस के टोटा पवन पर BRS पार्टी के लीडरों ने हमला कर दिया था। ये हमला उन कल रात तो उन्हें हनमकुंडा में अकेला देखकर BRS पार्टी के 10 लोगों ने हमला करते हुए जख्मी कर दिया, जिसके खिलाफ आज बोधन में कांग्रेस पार्टी की जानिब से एहतजाज किया गया। इस मौके पर बोधन टाउन सदर पाशा इनायत, अमीन रिजवान वाहिद शामिल थे। कल जो हनुमकुंडा में टोटा पवन के ऊपर हमला किया गया है, ये TRS के गुंडों के जरिए हम इसकी मजम्मत करते हैं और ये TRS वाले बोगलाहट का शिकार हो गए हैं। ये हाथ जोड़ो, हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा को देखकर, भारत जोड़ो राहुल गांधी जी की यात्रा को देखकर ये लोग ये समझ रहे हैं कि अब हमारी BRS से TRS खत्म हो गई है और कांग्रेस की हवा चल रही है। वो देखकर वो लोग परेशान होकर हमारे बच्चों पे, हमारे यूथ पे हमला कर रहे हैं। ये हमला करने से उनको फायदा नहीं हो रहा, उनके नुकसान होगा और पूरी अवाम उनके खिलाफ है। ये हमला करने से उनको कुछ फायदा नहीं हो रहा है। भाई हम उनसे चैलेंज कर रहे हैं, अगर आप में दम है तो डेवलपमेंट करते हुए कांग्रेस पार्टी का मुकाबला करें और एक अच्छे तरीके से कांग्रेस का मुकाबला करें। लेकिन इस तरीके से गुंडाइज़म करके हमला करके आगे आएंगे या जीतेंगे बल्कि सोच रहे होंगे तो ये 100% गलत है। ये होने वाला नहीं है और कांग्रेस वाले ये होने नहीं देंगे। ये अवाम के साथ है, अवाम हमारे कांग्रेस के साथ है, बल्कि मैं इतना कहते हुए शुक्रिया अदा करता हूँ। जामिया मिल्ला इस्लामिया के तलबा ने नासिर और जुनीद के लिंचिंग के खिलाफ एहतजाजी मार्च किया, जिन्हें मुबैना तौर पर दाएं बाजू के इंतहा पसंदों ने जिंदा जला दिया था। जुनीद और नासिर की खबर पर घाट मेका के साथी गांव वालों के एहतजाज का तीसरा दिन, इंसाफ और मरकजी मुलजिम बजरंग दल लीडर मोनू मानेसर की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा किया गया। लोहारू हरियाणा में नासिर और जुनीद को मुबैना तौर पर गाय के मुहाफिजों ने जिंदा जला दिया था, जिसके बाद ये एहतजाज शुरू हो गया। सरकारें हम क्यों बैठे यहाँ पे? सरकारें लोकतंत्र में आदमियों से
चलती है, आदमियों की अहमियत रहती है और लोकतंत्र में सरकारें दबाव में काम करती हैं, लोगों के लोग क्या चाहते हैं उसी हिसाब से नियम कायदे कानून बनते हैं। हमारे बच्चों का इसमें कोई शक नहीं कि विराट कोहली न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि गैर मुल्की ख्वातीन के मदाहों में भी काफी मकबूल हैं और ये तमाम मदाह मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के जरिए कोहली के तईं अपनी मोहब्बत और एहतराम का इजहार करते नजर आते हैं। एक एपिसोड में कोहली का एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा, इसमें एक खातून मदाह दिल्ली के मादाम साओ म्यूजियम में कोहली के मुजस्मे को बोसा देते हुए नजर आ रही। कोहली के दीगर मदाह भी इस वीडियो पर मुख्तलिफ रद्देमल जाहिर कर रहे, कुछ ऐसे ही रद्देमल ख्वातीन मदाहों की जानिब से भी दिए जा रहे। सुप्रीम कोर्ट ने मर्दों और औरतों के लिए शादी की यकसां उम्र को यकीनी बनाने की अर्जी को मुस्तरद करते हुए कहा कि वो इस सिलसिले में कानून बनाने के लिए पार्लियामेंट को मैंडेट जारी नहीं कर सकते। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जेबी पार्दीवाला की बेंच ने एडवोकेट अश्विनी कुमार उपाध्याय की अर्जी को खारिज कर दिया। हरमैन शरीफ ने इंतजामिया ने कहा है कि इस साल रमजान अल मुबारक में जायरीन को गुज़िश्ता बरस के मुकाबले में ज्यादा सहूलतें फराहम की जाएंगी। अरब मीडिया के मुताबिक हरमैन शरीफ के इंतजामिया ने रमजान की ऑपरेशनल प्लान की तैयारी के लिए खसूसी इजलास में जायरीन के आमद को आसान बनाने के लिए मुख्तलिफ पहलुओं का जायजा लिया। ऑपरेशनल प्लान में जायरीन की जरूरियात और मुतलका इदारों की जानिब से पेश की जाने वाली तमाम खिदमात की निगरानी पर तवज्जो मरकूज की गई है। इंतजामिया के सरबरा आला शेख डॉक्टर अब्दुल रहमान अल सुदेस ने कहा है कि साल रमजान में गुज़िश्ता बरस के मुकाबले में ज्यादा सहूलतें फराहम की जाएंगी। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी दोनों मुकद्दस मसाजिद में जायरीन को मियारी खिदमात फराहम की जाएंगी और जायरीन को पेश आने वाली मुश्किलात का सदबाब किया जाएगा। इंतजामिया का कहना है कि साल मस्जिदुल हराम में रमजान के दौरान इफ्तार दस्तरखान की नंबरिंग होगी। इजलास में माहिरीन ने तजवीज़ दी कि रमजान के दौरान तलबा के स्कूलों में हाजिरी के बजाय तालीम ऑनलाइन की जाए ताकि ट्रैफिक का रश ना हो, जबकि इंतजामिया ने रमजान के हवाले से इबलागी प्रोग्राम भी तरतीब दिया है। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट बाबा आजा जान मेगा 100% लाभम गारंटी तो पाटो కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయ్యింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజామ్ ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కారణాలున్నాయి కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజమ్ ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం కానీ మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజమ్ ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజమ్ ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. ఫోన్ నంబర్ 9573048697. జర్మన్టన్ సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్, డాక్టర్ మీర్ జమాద్ జార్ ఖాన్, సీనియర్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ ఆర్థోపెడిక్ సర్జన్. బోన్ ఫ్రాక్చర్, జాయింట్ రిప్లేస్మెంట్, హిప్ రిప్లేస్మెంట్ ఆర్ స్పైన్ సర్జరీ కామయాబీ సే అంజామ్ దే రహే హై. ఇస్కే అలావా న్యూరో సర్జరీ, కార్డియాలజీ, గైనకాలజీ, డెంటల్, జనరల్ మెడిసిన్, డయాలిసిస్ ఆర్ ఫిజియోథెరపీ జైసే శోభజాత్ మే ఇంతహాయి కామయాబీ కే సాత్ వాజ్బీ ఫీస్ మే ఇలాజ్ కియా జా రహా హై. షేరింగ్ ఆర్ ప్రైవేట్ రూమ్స్ అస్పతాల్ మే 24 ఘంటే MRI, CT స్కాన్, 2D డిజిటల్ ఎక్స్రే, అల్ట్రాసౌండ్, ఆపరేషన్ థియేటర్, ICU ఆర్ ల్యాబ్ కి సహూలత్ దస్తియాబ్ హై. ఆప్కి ఉమ్మీదో కే ఐన్ ముతాబిక్ జర్మన్టన్ సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్, పిల్లర్ నంబర్ 150, అతాపూర్, హైదరాబాద్. अब आपको गुर्दे में और पित्ते में पथरी यानी किडनी स्टोन या गैल ब्लैडर स्टोन होने पर नहीं है घबराने की जरूरत.
शहर हैदराबाद में सालों से इस इलाज के लिए खानदानी सिलसिले से चला आ रहा है भरोसेमंद नाम आरएस यूनानी फार्मेसी, जहां पर खास तौर पर पित्ते में मौजूद पथरी और दोबारा पथरी ना होने का किया जाता है मुकम्मल इलाज। आपको इस दर्द से हमेशा के लिए मिल जाएगा छुटकारा। नो साइड इफेक्ट्स, नो ऑपरेशन। तशखीश करते हुए दवाई की जाती है फराहम, तो देर ना करें, जल्द ही तशरीफ लाएं। आरएस यूनानी फार्मेसी, बहादुरपुरा एक्स रोड, ऑपोजिट केनारा बैंक, हैदराबाद। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करें। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट बाबा रजा खान बंगाली 100% लाभं गारंटी तो पाटु 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయ్యింది. నా భర్త డిప్రెషన్ లోకి వెళ్ళారు. బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగు చేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను, కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా ఎఫ్ఐఆర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను, కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ల మాట వినేవాడు, కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాడి చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్ని వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజాఖాన్, దిల్షుక్ నగర్, హైదరాబాద్. మా ఫోన్ నంబర్ 9866372438. अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा ताज़ा अपडेट मिलती रहे।